नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 12, 13 और 14 पर चर्चा करेंगे। तस्य संज्ञान हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहम नादम विंध्योचे शंखम दद्मौ प्रतापवान। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि कौरवों की सेना के लिए भीष्म पितामह ने सिंह की भांति गर्जना की और ऊंचे स्वर में यानी कि बहुत ही तेज शंखनाद किया। अर्थात भीष्म पितामह ने अपनी सेना में उत्साह भरने के लिए सिंह की गर्जना के समान ऊंची आवाज में शंखनाद किया। तंतः शंखश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुख सहासैया भयाहन यंता सत्सतुमूलो भवत। इस श्लोक में सैया महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है कि कैसे युद्ध को आरंभ करने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियां युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब शंख भेरिया परनव आनक और गोमुख जैसे विभिन्न वाद्य यंत्र एक साथ जोर जोर से बजने लगे और उनकी आवाज बहुत तेज हो गई। तत सवितियर युक्ते महति सयंदने सती तव माधव पांडवश्च इति वयु शंखौ प्रदत मुतुः। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद का वर्णन करता है। उसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में खड़े हुए माधव और पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह शंखनाद युद्ध को आरंभ करने का संकेत था और पांडव सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक सीखते रहिए और प्रेरित रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।